तो चलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत बड़े लंबे टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, और नीट प्रीवियस ईयर के जितने भी बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम से पहले कुछ जो मेरे चैप्टर बचे हुए थे वो सारे आपको मिल जाएंगे। आई होप आप बेहतर होगे। और हम मैग्नेटिज्म और मेंटर के नीट के PYQ करेंगे। और बेसिकली देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, समझ में आ गया? और अगर जितना क्वेश्चन मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मैं सॉल्व कर देता हूँ, अगर वो कर लोगे तो तुम्हें एक क्वेश्चन आएगा यार, ठीक है ना? अगर 40-50 क्वेश्चन ढंग सा कर लोगे, हर एक क्वेश्चन आएगा, और पहले भी किए होगे, कुल मिला के 150 क्वेश्चन कर लेते हो, तो क्या एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे यार? ऑब्वियसली कर लोगे यार, ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं, और पूरा PYQ आप देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और हमारे चैनल के साथ बने रहो। और बहुत ज़्यादा आप बेसिकली कोशिश करो, मोटिवेटेड रहो इस टाइम। मोटिवेशन के लिए अलग से चलो वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है? चलो प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है 2021 में आया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा थ्योरिटिकल है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखो, पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका अगर तुम देखोगे तो एक इंड स्लाइटली, अगर एक्स वाई कोई मॉलिक्यूल है तो ये जो बॉन्ड से जिस बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो अगर एक इंड स्लाइटली पॉजिटिव होता और एक इंड स्लाइटली निगेटिव होता है, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मतलब अगर इनका न्यूक्लियस देखोगे तो कुछ ऐसे इस टाइप से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, समझ में आ रहा? और जो नॉन पोलर होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक कुल मिला के एक सर्कल में घूमेगा। मतलब ऐसा क्यों होता है? लाइक एच एफ अगर देखोगे, एच एफ एक मॉलिक्यूल्स है, तो ऐसा क्यों होता है कि एच जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव है और एफ जो है वो स्लाइटली निगेटिव है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एफ की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, और जब एफ की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ के पास रहना ज़्यादा पसंद करता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड करता है, मोर टाइम स्पेंड इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट इज स्लाइटली निगेटिव एंड इट इज स्लाइटली पॉजिटिव। तो अगर आपको पता होगा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट वो होता है जिसका एक इंड प्लस हो और एक इंड माइनस हो, ऐसे को हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो अगर पोलर मॉलिक्यूल्स है तो उसके पास तो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा ही, फर्स्ट ऑप्शन सही है। जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, अक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहे या नहीं रहे तभी भी ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखो।